सो गाइस ये देखिए वो चीफा अपना पेंटिंग कर रही है, साथ ही साथ अरे बहुत ठंड हो गया पता है, वीडियो भी बना रही है। ये बहुत ठंड हो गया। तो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। वो क्या है? वो है हमारा दुपट्टा। आज हम बनाएंगे दुपट्टे पे पेंटिंग। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि वीडियो ना बनाऊं क्योंकि व्यूज अच्छे आते नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये ना करें प्लीज, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। तो आज हम अपने जो हमारी भारत की धरोहर है मधुबनी पेंटिंग, इसको हम लोग आगे बनाए रखेंगे और इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने की हमारी कोशिश होती है कि ताकि जो हमारी परंपरा है, जो चीज़ें हैं, उसको लोग सीखे और आगे कंटिन्यू रखें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं दुपट्टे पे पेंटिंग। इसके लिए मैंने ले लिया है कुछ ब्रश, हमने ले लिया है कलर्स, बहुत सारे कलर्स लिए हैं अलग अलग। और ये सिल्क का दुपट्टा है। कुछ हमने रफ चीज़ें जैसे कलर प्लेट, जो कॉमन चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें ली हुई है। तो चलिए अभी आप बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा प्रोसेस दिखाना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ब्लैक कलर लिया है और ब्लैक कलर से हम शुरुआत करेंगे और ब्रश हम 000 का ले रहे हैं। ये हमने करीब 1.25 इंच का गैप रखा है और उसके बाद हम सीधे लाइन बना रहे हैं। नीचे में हमने थोड़ा सा बॉर्डर के लिए करीब 8 इंच का हमने छोड़ दिया, 8 नहीं है, 4 2 6 इंच का हमने नीचे छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे डबल लाइन किया है। उसके बाद 1.25 इंच का हम गैप लेकर ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ फ्लावर्स का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने पहले ब्लैक कलर लेकर एक लीफ टाइप का बनाया है और यहाँ पे 4 बनाएंगे तो ये फ्लावर का एक शेप बनेगा। यही पैटर्न पूरे दुपट्टे के चारों तरफ बॉर्डर में रिपीट होगा। अब हम यहाँ पे जो खाली हिस्सा था वहाँ पे हम कचनी से पूरा फिल कर रहे हैं। अब हमने 3 इंच का गैप छोड़ने के बाद ऊपर एक दोबारा से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और जो नीचे वाला पैटर्न था वही हम सेम ऊपर भी बनाएंगे। बीच वाले हिस्से में देखिए हम मछली बना रहे हैं। मछली को हमने ये डबल लाइन कर लिया है और पूरा हम डिजाइनिंग से इसे भरेंगे। Thank you.
अब हम 1 इंच का गैप रखने के बाद फिर दोबारा से लाइन बना रहे हैं और उसे हम डबल कर रहे हैं। फिर इसमें हमने छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए हैं बराबर दूरी पर और उसे भी हम डबल लाइन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन कर रहे हैं जैसा कि आप फोटो वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ जो हमने मछली बनाई थी और उसके बाद जो भी हिस्सा हमारा खाली रह गया था उसमें हम थोड़ी छोटी छोटी टहनियाँ बनाकर उसमें पत्ते का डिज़ाइन बनाकर हम पूरे डिज़ाइन को इसी तरीके से भर देंगे, कोई भी जगह हमारा खाली नहीं बचेगा। अब इसमें हम छोटे छोटे पत्तियाँ बना रहे हैं और इस पत्तियों से हम पूरा डिज़ाइन को भरेंगे। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है इसमें हम छोटे छोटे कमल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने शेप लिया हुआ है कमल फूल का और ये हम पूरे जो भी हिस्सा था सब में हम भरेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसका दूसरा भाग जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।